सीजन से, तो सारे 6 साल में मात्र 10,000 से वो 20 लाख तक का प्रॉफिट जनरेट कर लिए हैं। जो है मैं आपको बताऊंगा बॉक्स ट्रेडिंग के बारे में जी हाँ दोस्तों, और इतना आसान भाषा में बताऊंगा कि आपको समझ में आ जाएगा बड़ी अच्छी तरीके से, और इसे स्विंग ट्रेडिंग के साथ मिक्स करके प्रॉफिट का भरमार यहाँ पे कर लोगे आप लोग। जी हाँ दोस्तों, ये स्विंग ट्रेडिंग के लिए बेस्ट स्ट्रेटजी है अब तक का मेरे लाइफ का। जी हाँ दोस्तों, इंपॉर्टेंट बात, डारवास भाई बॉक्स ट्रेडिंग से इतना कमाए कि उन्होंने एक बुक लिख दी जिनका नाम था हाउ आई मेड 2 मिलियन इन स्टॉक मार्केट। जी हाँ दोस्तों, सारे 6 साल में मात्र 10,000 से वो 20 लाख तक का प्रॉफिट जनरेट कर लिए हैं $ में। तो चलिए दोस्तों, इसके बारे में मैं आपको इनका पूरा बॉक्स स्ट्रेटजी आपको समझाता हूँ। हम बात करते हैं इस स्ट्रेटजी के बारे में। सिंपल सा स्ट्रेटजी है, जैसे रेक्टेंगल होता था ना, या आप बॉक्स मान लो, जैसे जिसका ये नाम है बॉक्स ट्रेडिंग। तो सबसे पहले इसकी शुरुआत किसने की थी? जी हाँ दोस्तों, इनकी शुरुआत एक विदेशी ट्रेडर थे जी हाँ दोस्तों, जिनका नाम था डारवास, और वही ये स्ट्रेटजी शेयर मार्केट में अपने प्रॉफिट को इंक्रीज करने के लिए बनाई थी। सिंपल, उसके बाद जाके अब इसी स्ट्रेटजी को जो वेल पॉपुलर आदमी है वो सब यूज़ करके बहुत अच्छा रुपया जनरेट कर रहे हैं, यानी शेयर मार्केट से अच्छा रुपया बना रहे हैं। तो इसी स्ट्रेटजी के बारे में आपको बताऊंगा। सिंपली ये इनका नाम था डारवास, और ये बॉक्स नामक स्ट्रेटजी एक अपना बनाए थे अपना खुद के लिए, और उनको इसी स्ट्रेटजी में सक्सेस मिल गई। तो उन्होंने एक बुक लिख दी, डारवास बॉक्स ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, ऐसे करके वो अपना नाम और बॉक्स ट्रेडिंग। तो सिंपली ये किस तरीके से दिखता है, कब बनता है, क्या क्राइटेरिया है, ये सब जानने के बाद अगर आप इसमें ट्रेड करोगे, ऑप्शन की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, उसकी गारंटी नहीं लेता, लेकिन स्विंग ट्रेडिंग, पोजिशनल ट्रेडिंग, लॉन्ग टर्म के लिए इस स्ट्रेटजी को अगर आप यूज़ करोगे तो शेयर मार्केट में दवा की प्रॉफिट बनाओगे आप लोग। तो दोस्तों, अब मैं इस स्ट्रेटजी के बारे में बताने वाला हूँ, तो आप इस स्ट्रेटजी को समझिए कि किस तरीके से ये वर्क करता है और क्या क्राइटेरिया होता है इस स्ट्रेटजी से प्रॉफिट बनाने का। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ बॉक्स ट्रेडिंग कब और कैसे बनता है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे डारवास बॉक्स ट्रेडिंग की। जी हाँ दोस्तों, ये बंदा हाउ आई मेड 2 मिलियन इन स्टॉक मार्केट बुक लिखा था, और जिसमें ये मात्र $10,000 से $2 मिलियन ये सारे 6 साल में ये इसने बनाए थे। उसके बाद ये बुक लिखे थे कि भाई डारवास बॉक्स ट्रेडिंग स्ट्रेटजी मैंने यहाँ पे बनाई है, जिससे मैंने इतना रुपया बनाए हैं। उसके बाद ये बुक पब्लिश हुई है, उसके बाद बहुत अभी तक में बेस्ट सेलर बुक यही है अभी तक में स्टॉक मार्केट का। तो दोस्तों, यहाँ पे इस बुक से हमने कुछ पॉइंट्स निकाले हैं जो कि आप यहाँ देख सकते हैं। पहला पॉइंट है बाय ऑन पॉजिटिव ट्रेंड्स एंड राइजिंग वॉल्यूम। जी हाँ दोस्तों, कट योर लॉसेस शॉर्ट, लेट योर विनर रन, डारवास बॉक्स ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, क्रिएट योर ऑन स्टॉक लॉग बुक, किल योर डार्लिंग्स। ये 5 ऐसे लेसन्स है इसमें जो आपके ट्रेडिंग जर्नी को नेक्स्ट लेवल तक पहुंचा देंगे। अब इसमें हम लोग बात करते हैं पहले लेसन की, जो है बाय ऑन पॉजिटिव ट्रेंड्स। इसका मतलब है कि कोई भी स्टॉक्स है, जैसे मान लीजिए कि ये एक स्टॉक्स है, तो ये एक पॉजिटिव ट्रेंड में चल रहा है। तो इसका कहने का मतलब है कोई भी स्टॉक्स पॉजिटिव ट्रेंड में चलना चाहिए, एंड राइजिंग वॉल्यूम, यानी जब ये स्टॉक्स ऊपर जा रहा है तो इसका वॉल्यूम भी ऐसे ऐसे इंक्रीज यहाँ पे होना चाहिए। वॉल्यूम यहाँ पे देखिए, ये जैसे जैसे ये चल रहा है वैसे वैसे वॉल्यूम यहाँ पे इंक्रीज होना चाहिए, ठीक। अब दूसरी क्राइटेरिया क्या है यहाँ पे, कट योर लॉसेस शॉर्ट, लेट योर विनर्स रन। जी हाँ दोस्तों, आप कोई भी स्टॉक्स में जब एंट्री लेंगे तो उसमें आपका कुछ स्टॉप लॉस होगा, जैसे कि आप 5% का रख सकते हैं, 10% का, लेकिन एक मीनिंगफुल स्टॉप लॉस होना चाहिए। ये नहीं कि मार्केट का कोई भी उतार चढ़ाव छोटा मोटा आए तो ये आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाए, ठीक। तीसरा अब जो है डारवास बॉक्स ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, जो मैं अभी आपको बताना वाला हूँ, और ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो कोई भी स्टॉक्स अपना नीचे ऊपर हाई बनाते हुए ऊपर जा रहा है, तो डारवास भाई का कहना है कि कोई स्टॉक्स 52 वीक हाई न्यू हाई बनाता है, जैसे कि ये 52 वीक न्यू हाई यहाँ पे बना, अब यहाँ से स्टॉक्स नीचे आता है और फिर इसी हाई के आसपास जाके फिर नीचे आता है, ऐसे ऐसे करके कोई एक बॉक्स फॉर्मेट बना देता है, जैसे कि यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे एक बॉक्स फॉर्मेट यहाँ पे बन चुका है। बस अब करना क्या है, जैसे ये बॉक्स बना उसके बाद मार्केट इस बॉक्स से निकल के यहाँ पे जैसे ही आएगा, जैसे ये बॉक्स से निकलेगा प्राइस, देन मेरी एंट्री यहाँ पे बाय मेरा हो जाएगा स्टॉक्स, और यहीं पे इसी बॉक्स के अंदर कोई स्टॉप लॉस लग जाएगा, या तो 5% या तो 10% आपके
यहाँ पे रिस्क एपेटाइट के अनुसार आप जितना यहाँ रिस्क लेना चाहोगे यहाँ पे आप उतना का स्टॉप लॉस लगा दो, ठीक है। जब ये बॉक्स से प्राइस बाहर निकलेगा, मेरा एंट्री हो गया और यहाँ पे स्टॉप लॉस लग गया, तो जब तक ये बॉक्स का प्राइस ऊपर जाएगा और नीचे आके जब तक मेरा स्टॉप लॉस को हिट नहीं करेगा तब तक हम इस मार्केट से नहीं निकलेंगे। यानी इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे कोई भी स्टॉक्स ऊपर न्यू हाई बनाया फिर ऊपर गया, जब तक मेरा ये क्राइटेरिया जैसे ये स्टॉक्स जैसे ही बाहर निकल के यहाँ पे आया तो मेरा जो स्टॉप लॉस है ये उठ के 5% ऊपर चला जाएगा, फिर प्राइस ऊपर जाएगा तो मेरा स्टॉप लॉस ऊपर जाएगा। यानी इसको हम लोग ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यहाँ पे कहते हैं। जैसे जैसे मेरा प्राइस ऊपर जाएगा वैसे वैसे हम लोग स्टॉप लॉस अपना बढ़ाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, क्रिएट योर ओन स्टॉक लॉग बुक। जी हाँ दोस्तों, कोई भी चीज़ आप खरीद बिक्री कर रहे हैं स्टॉक मार्केट में उसका एक आप बुक बनाइए, नोटबुक बनाइए और अपना खरीदने का कारण लिखिए और बेचने का कारण लिखिए। तो इससे होगा कि ये चीज़ आपको कोई बुक में नहीं मिलेगा, इससे आपको खुद का क्लियरिटी होगा कि हमको मार्केट में किस तरीके से सस्टेन करना है। इससे आपको पता चलेगा कि कब मैं यहाँ पे बाय किया हूँ तो प्रॉफिट हुआ है, कब मुझे प्रॉफिट हुआ है, कब मुझे लॉस हुआ है। ये एक लॉग बुक से, यानी ये आपका नोटबुक जो बनेगा इससे पता चल जाएगा। पांचवा जो है यहाँ पे किल योर डार्लिंग्स। जी हाँ दोस्तों, आपको कोई भी स्टॉक से प्रति मतलब वहाँ प्यार नहीं जताना है कि माने ये एक्स वाई जी स्टॉक से ये मेरा फेवरेट है, मैं इसी में ट्रेड करूँगा। अगर मान लीजिए दोस्तों ये आपका फेवरेट स्टॉक है और ये नीचे डाउन ट्रेंड में ट्रेड कर रहा है तो मैं इसे सजेस्ट नहीं करूँगा, या मैं इसे मेरा कितना ही फेवरेट है मैं इस स्टॉक से बाहर निकल जाऊँ क्योंकि ये मुझे प्रॉफिट बना के नहीं देगा। तो इसीलिए मेरा ये फेवरेट नाम का यहाँ पे कोई चीज़ नहीं होता है स्टॉक मार्केट में। इसीलिए यहाँ पे एक लेसन है किल योर डार्लिंग्स, जिससे आपको कोई भी स्टॉक्स है जैसे आपका भी कोई भी स्टॉक से आपका फेवरेट है तो उस पर आपको पकड़ के बैठना नहीं है। अगर आपको ये स्टॉक से आपका स्ट्रेटजी बाहर निकलने के लिए बोल रहा है तो आपको सिंपली एग्जिट हो जाना है उस स्टॉक से। और ये स्टॉक्स इसी तरह और ये ट्रेडिंग स्ट्रेटजी इस तरीके से वर्क करता है। अब इसमें एक मेन बात जो है यहाँ पे बाय ऑन पॉजिटिव ट्रेंड्स वाली, तो इसमें एक चीज़ यहाँ पे छूट गया है। इसमें है किसी भी कंपनी को ऑर्डर मिलना चाहिए सरकार की तरफ से, या फिर इसका कोई रियल न्यूज़ होना चाहिए। ऐसे नहीं ये स्टॉक बढ़ रहा है, इसका पीछे का कोई फंडामेंटल रीज़न होना चाहिए स्टॉक्स बढ़ने का, तभी हम इस तरीके के स्टॉक्स में अपना बेनिफिट उठा सकते हैं, फ़ायदा उठा सकते हैं। तो सिंपली आपका कोई भी स्टॉक्स न्यू हाई बनाएगा और न्यू हाई के आसपास एक बॉक्स बनाना चाहिए और उस बॉक्स को तोड़ के निकलेगा, देन मेरी एंट्री बन जाएगी कुछ परसेंटेज के स्टॉप लॉस के साथ। और जैसे जैसे प्राइस ऊपर जाएगा वैसे वैसे हम अपना स्टॉप लॉस बढ़ाएंगे, जिसको हम लोग ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करते हैं। और इसी के कारण जब मेरा इस ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जब हिट हो जाएगा, मार्केट हिट कर देगा, देन मैं मार्केट से एग्जिट ले लूँगा अपना प्रॉफिट बुक करके। इससे ये फ़ायदा ये होगा, कट योर लॉसेस शॉर्ट लेट योर विनर रन। जैसे मेरा यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट होगा मैं उस मार्केट से निकल जाऊँगा, और उसके बाद मान लो कोई भी क्राइसिस आता है तो मुझे उतना नुकसान नहीं होगा। और लेट योर विनर रन का मतलब जब तक आपको ये स्टॉक्स फ़ायदा देते हैं तब तक आप इसको ट्रेलिंग करते करते आप फायदा इसका लेते रहिए। तो दोस्तों यही था बॉक्स स्ट्रेटजी, आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे बॉक्स ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को यूज़ करके हम लोग स्विंग ट्रेडिंग में काफ़ी फ़ायदा यहाँ पे उठा सकते हैं। तो दोस्तों कितना आसानी से आपको मैं बॉक्स ट्रेडिंग के बारे में इतने सारी जानकारी दी और कैसे ट्रेड लेना है और क्या इसका स्ट्रेटजी है ये सारा बता दिया हूँ। तो दोस्तों आपका क्या काम है, बस आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि इसी तरीके के वीडियो आपको सबसे पहले पहुँचे। और उसके बाद बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा क्योंकि आप हमसे दूर ना हो पाइएगा, ताकि मैं आपको आसानी से ये सब कुछ बताते रहूँगा कि कैसे शेयर मार्केट में ऑप्शन ट्रेडिंग को छोड़कर स्विंग ट्रेडिंग के कारण आप सफल हो सकते हैं। थैंक यू।